देखिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सेना को सारी बुद्धि भी है और शक्ति भी है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उचित हो रहा है और उसमें किसी की दखलअंदाजी नहीं चलेगी। जो भी सरकार और सेना तय करेगी देश के सुरक्षा के लिए, उसमें कोई भी खलल करना उचित नहीं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, कितना उचित लगता है क्या? मैंने कहा था कि देश की एकात्मता और अखंडता की रक्षा के लिए देश के हर लोगों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए। इस प्रकार की कोई बात करना बेबुनियाद है, उचित नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इमरान को एक और मौका देना चाहिए। मैंने कहा ना कि देश की सुरक्षा के लिए केवल सेना और सरकार को ही देश की सुरक्षा का सारा बागडोर है और इसलिए उसमें हर देश के नागरिकों को साथ देना चाहिए। देश की एकात्मता अखंडता को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, इस सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा दिया, इस पर कांग्रेस राजनीति शुरू कर दी है, वो भी चुनावी वादे करना। मुझे लगता है इस प्रकार की गंदी राजनीति ये करने वाले देश के एक जवान, चाहे वो सिपाही हो चाहे सेना के जवान हो, जो शहादत हुआ है, ऐसे शहादत के खून पर कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये ओछी राजनीति है।